रहे? क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार। रवि कुमार आजाद मंडी में। कहाँ जा रहे थे? 500 रुपए दिए थे। आजमगढ़। आजमगढ़ सर, आजमगढ़। तो कहा आजमगढ़ जा रहे थे? कितने पैसे दिए थे? चले, कितने पैसे दिए थे आपने? आ जा तू। कितने पैसे दिए थे? अच्छा, कितने पैसे दिए? 500 रुपए। 500 रुपए। कहाँ काम करते थे? अरे हम लोग वजीरपुर काम करते थे। कहाँ जा रहे थे? आजमगढ़। 500 रुपए। क्यों छोड़ा काम? हम कहाँ जा रहे? काम ही नहीं है तो क्या करेंगे सर? रेड़ी लगाते सर, आज 1.5-2 महीने से बंद है तो सर हम परेशान हो गए सर। परेशान हो गए सर, घर जा रहे थे हम। खाने वाने कुछ है नहीं है, रेड़ी पटरी सब बंद हो गई है। एसेंशियल सर्विस की आड़ में प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर लखनऊ और आजमगढ़ ले जाने वाले एक गिरोह को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो ट्रक है, जो कि दिल्ली के आजादपुर और दिल्ली के कश्मीरी गेट से ये दो ट्रक प्रवासी मजदूरों को भर करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ लेके जा रहे थे। और बाकायदा इस ट्रक पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एसेंशियल गुड्स जो कि खाने पीने से रिलेटेड चीजें हैं, उन्हीं की सप्लाई जो है वो यहां से इन ट्रकों के जरिए की जाती थी। लेकिन पुलिस की तरफ से जब चेकिंग की गई तो पैकेट पर प्रवासी मजदूर जो है वो इस ट्रकों के अंदर मौजूद पाए गए। अभी भी तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जिनको दिल्ली पुलिस की तरफ से सब्जी मंडी क्वारंटीन सेंटर के अंदर जो है वो यहां पर भेजा जा रहा है। ये लोग वजीरपुर, आजादपुर और तमाम कई जगहों पर काम करते थे। ये लोग का साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफी समय से लॉकडाउन की वजह से इनके पास काम धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है और खाने पीने की बेहतर व्यवस्था नहीं है। यही वजह है जिसके चलते ये जो मजदूर थे अपने गांव आजमगढ़ की तरफ जा रहे थे। और बाकायदा इन ट्रक के जो मालिक हैं, जो चालक थे, और उनसे 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है वो वसूल रहे थे। और ऐसे में ये दो ट्रक है, मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि एक ट्रक ये और दूसरा ट्रक वो है जिसमें इन तमाम मजदूरों को जो है वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जो है वो लेके जाया जा रहा था। तकरीबन 100 ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि दिल्ली से इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उनको दिल्ली से बाहर जो है वो लेके जाया जा रहा था, जिसको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है इन लोगों को। और पूछताछ यहां पर की जा रही है ट्रक के ड्राइवर से और कंडक्टर से कि आखिरकार ये मजदूर क्या सिर्फ पहली बार कर रहे थे या फिर इस तरीके की जो घटना है उसको वो कई बार अंजाम जो है वो दे चुके हैं।